में भी आपको पूरा का पूरा हाफ बैक आ जाता है, फुल किया तो ऑटोमेटिक पूरा का कहीं से भी रिंकल्स आपको कभी नहीं पड़ेंगे। अच्छा हाँ, इसको पूरा स्टील का बेल्ट आ जाता है, डी हैंडल, रॉयल गैलेक्सी हैंडल, फ्रंट डी हैंडल, पैन हैंडल विथ कैमरा हैंडल, फिर ये डायमंड चेयर, ये आपको दिखाऊंगा सर, ये मेरा हमारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं डायमंड चेयर। इंडियन चेयर में और इम्पोर्टेड चेयर में सेम आपको हाइड्रोलिक दे रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हे मुंबई। तो फ्रेंड्स, आज मैं उल्लासनगर थ्री मार्केट में, आज मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ कंफर्ट। यहाँ पे सलोन फर्नीचर के ये मैन्युफैक्चरर है, आप देख सकते हो यहाँ पे सलोन रिलेटेड सारे आइटम देखने मिल जाएंगे, स्पेशली चेयर्स की आइटम तो आपको अनलिमिटेड यहाँ पे देखने मिल जाती है। तो कम प्राइस में, सबसे बजट में ये आपको सलोन चेयर्स होने वाली है, आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस में आपको देखने मिल जाएगा। बहुत अमेजिंग वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटीज इसमें देखने मिल जाएगी। तो बताइए आज का वीडियो क्या स्पेशल होने वाला है? तो मैम, आज आपको मैं दिखा दूंगा कि अगर किसी का 20,000 का बजट है तो उनको मैं सेटअप वगैरह पूरा प्रोवाइड करा दूँ। उसमें चेयर भी आएगा, शैम्पू चेयर भी आएगा, आपको ट्रॉली स्टीमर वगैरह भी सिर्फ और सिर्फ 20,000 में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको आज जो भी है आप देख सकते हो मैम कि यहाँ से जो है हमारा पूरा प्रीमियम सेगमेंट आ गया, फिर अच्छा। आप इम्पोर्टेड सेगमेंट देख सकते हैं, पूरा का पूरा इम्पोर्टेड है। ये चेयर जो आप देख रहे हो सभी के सभी इम्पोर्टेड है। फिर आप इस साइड में देख सकते हो सर, ये सब इंडियन चेयर्स है। इंडियन चेयर्स आपको सिर्फ और सिर्फ, मतलब आप समझिए, इतने में स्टार्ट हो जाती है कि आप आराम से आपका जो न्यू सलोन है आप स्टार्ट कर सकते हो। तो भी आपकी स्टार्टिंग रेंज बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को, अंदाजा आ जाए। सर हमारे पास स्टार्टिंग रेंज आप बिलीव नहीं करेंगे, बस 2,000 से भी स्टार्टिंग है। क्या बात है, 2,000 से आपको सलोन चेयर देखने मिल जाती है। आप देख सकते हो जो जैसी वैरायटी चाहिए, जैसे अगर इंडियन में जाना चाहते हो इंडियन में जा सकते हो, और अगर इम्पोर्टेड चाहिए तो इम्पोर्टेड में बहुत सारी अमेजिंग वैरायटी है। तो इंडियन में हम दिखा दीजिए कि क्या क्या रेंज आपके पास। तो मैम आपको मैं आज दोनों कंपेयर करके दिखा देता हूँ एक बार कि आपको इम्पोर्टेड में जाना चाहिए कि इंडियन में जाना चाहिए। तो आप आपके बजट के हिसाब से आप जा सकते हैं। ज्यादा चेयर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, 2,000 से 3,000 का दोनों में डिफरेंस आता रहता है। तो आप जो भी आपका चॉइस है आप उसमें जा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा मैम जो इम्पोर्टेड चेयर्स है, इसमें आप हैंडल्स भी देख लीजिए। आपको अगर प्लेन बैक में चाहिए, फुल बैक में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हैंडल डी हैंडल हो गया, गैलेक्सी हैंडल हो गया, या फिर अगर आपको बैक वगैरह हाफ बैक में चाहिए तो हाफ बैक में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी हैंडल वाली चेयर से। आपको मैं ये जो है आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है ये चेयर आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ कि इम्पोर्टेड चेयर में और इंडियन चेयर में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें भी आपको पूरा का पूरा हाफ बैक आ जाता है, ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो इसका जो हैंडल है वो स्टार्टिंग आगे से लेके नीचे तक है, पूरा का पूरा स्टील का हैंडल है। साइड में आपको बहुत ही एकदम क्यूट सी डिज़ाइन आ जाती है, देखिए बहुत ही दिखने में रिच रहती है। इसमें इम्पोर्टेड की जो लाइफ रहती है वो कम से कम 15 साल की रहती है, अगर आप सही से इस्तेमाल करेंगे तो 20 साल तक भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो रिक्लाइनर रहता है इम्पोर्टेड चेयर का, वो इंडियन चेयर से 3 गुना ज़्यादा स्मूथ रहता है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से पुल किया, ये अपने आप पूरा का पूरा पीछे जा रहा है, इसमें काफ़ी अच्छा है इसका। और इसको जैसे मैंने वापस पुल किया तो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा अपने आप आ जाता है, इजीली स्मूथ है वो बहुत ही ज्यादा। इसमें अगर हम हाइड्रोलिक की बात करें, फर्स्ट टाइम इन इंडिया हम लोग इंडियन चेयर में और इम्पोर्टेड चेयर में सेम आपको हाइड्रोलिक दे रहे हैं। तो जितना मजबूत इसका हाइड्रोलिक है उतना ही मजबूत आपको इंडियन चेयर का भी हाइड्रोलिक आएगा। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है, पहले आप बिलीव नहीं करेंगे कि सब लोग क्या करते, जब इंडियन चेयर आ जाती थी या कोई मैन्युफैक्चर होता था तो वो लोग एक हाइड्रोलिक जो है ना एक नॉर्मल मिड रेंज का डाल देते थे। हम कम्फर्ट में ये सब बंद कर दिया है, हम लोगों ने कस्टमर को जो हाइड्रोलिक है, जो एक कस्टमर का एक टेंशन रहती है या फिर एक वरी रहती है कि हमने इंडियन में जाएंगे तो हमें हाइड्रोलिक शायद एक कम रेंज का मिलेगा, वो आपको मतलब वरी करने की जरूरत ही नहीं है। दोनों में हाइड्रोलिक आपको सेम टू सेम आएगा। आप एक बार दिखा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आप प्लीज़ इसका जो हाइड्रोलिक है आप दिखाइए, और ये इंडियन चेयर जो है इसका भी हाइड्रोलिक आप दिखाइए, दोनों का हाइड्रोलिक सेम टू सेम है। दोनों में जो हाइड्रोलिक रहेगा वो सेम टू सेम आता है, ओके। इसमें भी अगर आप, ये इम्पोर्टेड चेयर हो गई थी, इम्पोर्टेड चेयर अगर आपको कभी भी पता करना है आजकल क्या हो रहा है, जब से मैम मैंने इम्पोर्टेड चेयर्स के वीडियोस बनाए लोग चीटिंग भी कर रहे हैं कि इंडियन के जगह पे इम्पोर्टेड बता के दे रहे हो। आप देख सकते हो ये जो क्लिप आप देख रहे हो इम्पोर्टेड में, ये जो आप देख रहे हो शो कैप रहता है जो नट वगैरह छुपाने के लिए, ये पूरा मेटल का रहता है, देखिए ये मेटल करे थे, कभी भी प्लास्टिक का नहीं रहेगा। तो ये आप देखिए अंदर भी आप देख सकते हैं जो पूरा कॉपर है, तो इजीली ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये डिफरेंशिएट आप कर सकते हो। और सेकेंडली अगर आपको कभी भी इम्पोर्टेड में इंडियन में और एक डिफरेंस आपको पता करना है तो आप देख सकते हो इसकी जो स्टिचिंग है,
बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन रहेगी। बराबर, आप स्टिचिंग देखिए बहुत ही ज्यादा नीट है। तो ये जो रेंज जो आप देख सकते हो आइकॉनिक के रेंज वाली जो चेयर्स रहती है उस टाइप की इसकी स्टिचिंग मतलब फिनिशिंग अच्छी मिलती है, उतनी अच्छी फिनिशिंग। और इसमें आप देखेंगे कहीं से भी रिंकल्स आपको कभी नहीं पड़ेंगे। अच्छा हाँ, इसमें भी आपको रिंकल्स नहीं मिलते, बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, बहुत ही ज्यादा मजबूत है। और इसका मैं बैक साइड भी आपको एक बार दिखाऊंगा, आप देख सकते हो बैक साइड में आपको यहाँ से जो एक क्लिप आ जाता है इसको आप प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा निकाल सकते हो और आपके हाइट के अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और इजी टू यूज है, अगर आप देखोगे तो बहुत ये पूरा का पूरा बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, अंदर आप डाल सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा होगा और आप देख सकते हो बैक साइड में आपको पूरा स्टील का बेल्ट आ जाता है। इसके वजह से ही जो रिक्लाइनर बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है। आपको अगर जब आप कंपेयर करते हैं कि इंपोर्टेड क्यों है तो आप देखिए जो जो ये फिनिशिंग रहेगी बहुत ही ज्यादा नीट रहेगी। ये या तो प्रीमियम में रहती है या फिर इंपोर्टेड चेयर में। इंडियन में इतनी फिनिशिंग नहीं है। इंडियन में मैम देखिए क्वालिटी, अगर किसी का बजट अगर थोड़ा सा समझिए एक बजट में जाना है उनको, बजट कम है तो आप तब इंडियन में जाइए, क्योंकि तब आप क्या कर सकते हैं थोड़े से टाइम पीरियड के लिए 3-5 साल के लिए चेयर रखे, फिर आप अपने आप को जैसे आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है तो आप इंपोर्टेड में जा सकते हैं। क्योंकि जिनका स्टार्टअप है वो ट्राई कर सकते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं इंडियन में, क्योंकि अगर बजट देखे सबका अपना अपना बजट है तो इसके वजह से आप अपने बजट के हिसाब से जाइए तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे आपको मैं इंडियन चेयर दिखा देता हूँ, ये जो पीस है ये इंडियन चेयर है, इसमें भी आपको पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेशन मिल जाएगा। क्या बात है? पूरा का पूरा इसमें भी आपको देखिए पूरा का पूरा जो है थ्री फोल्ड बैक आ जाता है, बहुत ही स्मूथली ये भी बाहर आ जाता है, ये भी पूरा अकॉर्डिंगली आपका एडजस्टेबल है। इसमें भी आपको रिक्लाइनर है, मतलब इसका जो बैक है पूरा का पूरा बैक जाएगा। आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार, ये देखिए इसको मैंने बैक करी, यहाँ से पुल कर दिया मैंने इसके रिक्लाइनर को, ये देखिए पूरा का पूरा पीछे चला जाए और भी बैक जाएगा, जितना आप इसको बैक लेना चाहते हैं पूरा का पूरा बैक चला जाएगा और ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक है। देखिए तो भी इंडियन की ऐसी लाइफ कितनी रहती है? इंडियन की लाइफ में आप समझिए 8 से 9 साल तक रहती है। और ये जो बताते हैं ना कि इंडियन के चेयर 15 साल, वो आपके साथ चीटिंग करते, झूठ बोलते हैं। तो हम लोग क्या है ना कस्टमर के साथ, आज हमारे हमने जो बिजनेस ग्रो किया है वो इसी वजह से किया है, हमने कभी भी कस्टमर के साथ टाइम पास नहीं किया है, हम उनके साथ जेन्युइन रहे, एक लॉयल्टी रखा है कस्टमर के साथ। आज आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने आसाम से लेके राजस्थान और समझिए शिमला से लेके नीचे तमिलनाडु तक भी मैंने अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर किए, तो इसी वजह से कि हमने वो लॉयल्टी रखी है। कभी भी किसी को डिलीवरी के टाइम कुछ डैमेज कुछ हो जाता है तो हमने उनको रिप्लेस करके फ्री ऑफ कॉस्ट में डिलीवरी वापस की है। मतलब इस मतलब आपको तो प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा ही तो उसके साथ सर्विसिंग भी बहुत अच्छी मिल बहुत ज्यादा मेरी, आप बिलीव नहीं करेंगे तो सर्विस के वजह से ही जो है मेरा बिजनेस आज इतना। क्या बात है, क्या बात है, सर्विस तो पहले चाहिए हमारे व्यूअर्स, सर्विस पहले सर्विस तो चाहिए। आप इंडियन लीजिए या इम्पोर्ट लीजिए, सर्विस आपको सेम मिलेगी, आपको एकदम अच्छी क्वालिटी की सर्विस भी मिल देंगे। इसमें भी आपको हाइड्रोलिक देख सकते हैं, सेम टू सेम इंपोर्टेड वाला ही हमने लगाया, हाइड्रोलिक में कोई भी डिफरेंस नहीं। मतलब ये बजट रेंज में होने वाला है, जिनका बजट लो है, स्टार्टअप करना चाहते हैं। देखिए मैं वही बता रहा हूं, 20,000 में भी आप एक सेटअप बनवा सकते हैं, तो आप आपके अकॉर्डिंगली वो बजट पूरा का पूरा कर सकते हैं। तो बताइए ना, आपकी थोड़ी वैरायटीज भी दिखा दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स को अंदाजा आ जाए और इजीली आपको कांटेक्ट कर पाए। आप बिलीव नहीं करेंगे, बस हमारे पास 250 से ज्यादा वैरायटीज है। कलर कस्टमाइजेशन आपको करना है तो आपको कलर कस्टमाइजेशन भी मिल जाए, जैसे आप देख सकते हो मैम इसको बोलते हैं गैलेक्सी हैंडल विथ ब्लैक पट्टी और पीछे का जो बैक है वो फुल है। ये वाला जो है ये मिडल डी फ्लैट डी बोलते हैं इसको, मिडल फ्लैट डी, पीछे का बैक पूरा का पूरा, इसमें आप एडजस्ट बैक जो है आपके अकॉर्डिंगली आप मतलब थ्री फोल्ड या फिर फुल बैक ले सकते हैं। ये वाला जो है इसको बोलते हैं फुल हैंडल, ये पूरा का पूरा मतलब जो है इसको कवर कर देता है, पीछे का जो बैक है वो हाफ बैक है। फिर आता है गैलेक्सी हैंडल हाफ बैक, फिर जो ये है रॉयल गैलेक्सी हैवी वाला, ये है बॉक्स हैंडल, ये भी पूरा का पूरा कवर करता है, इसे बोलते हैं ब्रिज हैंडल, ये बोलते हैं प्लेन डिजाइन हैंडल, मतलब इसमें कुछ हैंडल नहीं लगता है, बस प्लेन रहता है। फिर आप इंडियन में भी सेम टू सेम कोई भी हैंडल आप लगा सकते हो, डी हैंडल, रॉयल गैलेक्सी हैंडल, फ्रंट डी हैंडल, पैन हैंडल विथ कैमरा हैंडल। फिर ये डायमंड चेयर ये आपको दिखाऊंगा सर, ये हमारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं डायमंड चेयर, 6 डायमंड चेयर है। फिर इसके बाद जो है ये वाली जो पीस है, एक कम बजट में आपको चाहिए कम से लोएस्ट प्राइस में, तो ये आपको कैडबरी डिजाइन है, ये भी आपको मिल जाएगी। फिर आप देख सकते हो गैलेक्सी बड़ा गैलेक्सी, ये बोलते बड़ा गैलेक्सी हैंडल, और ये वापस आपने जो आपने अभी आपको मैंने दिखाया था रॉयल गैलेक्सी हैंडल, ये वाला आज से सबसे ज्यादा टॉप में यही वाला हैंडल चल रहा है आज के डेट में। बाकी आपको और भी डिजाइंस वगैरह चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मेंशन हुआ है उसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट है salonchairwala.com, आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप करिए, आपको हम लोग PDF फोटोज प्राइस वगैरह आपके नंबर पे पूरे के पूरे हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे।